हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स जो है करेंटली यहाँ पर मार्केट में किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक जो है मोमेंटरी बेसिस पर क्रूड ऑयल का जो है एनालाइज करने के लिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इस बेसिस के अंदर भी प्रॉफिट किस तरह से कमाना चाहिए, कौन से तरफ ट्रेंड जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे मोस्टली हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर कभी भी आप जो है एनालिसिस स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि किस तरह का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से अब ट्रेंड फॉलो हो रहा था, इधर जो है काफ़ी अच्छी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी और प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छी तरीके से कमाया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे ही अप ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ है, अप ट्रेंड ब्रेक होने के बाद नियरली जो है बहुत ही अच्छी खासी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड देखने मिला है, और टू बी प्रिसाइज ऑलमोस्ट ये जो है नियरली इसने लो बना दिया था 8000 के आसपास का, और उसके बाद एक अच्छा सी रिकवरी यहाँ पर हमें अपसाइड की नज़र जरूर देखने को मिली है। तो ये वीक जो है एक अच्छा सा कंसोलिडेशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि देखने को मिला है 8920 से लेके 8370 के नियर बाय का यहाँ पर हमें जो है ट्रेंड फॉलोअप होते हुए देखने को मिला है। सो इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर हमें एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए, बिकॉज लास्ट सेशन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें बाइंग, और अगर हम यहाँ पर इन ईजी बेसिस के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत अच्छा सा जो है सपोर्ट लिया है प्रीवियस डे के लो प्राइस का, और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो एक और सेंटीमेंट और एक और ट्रेडिंग टिप जो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर समझ लीजिए प्रीवियस वीक का जो लो प्राइस है अगर वही मोमेंटम बेसिस पर आकर अगर सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद अगर समझ लो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो वहाँ पर मोमेंटरी बेसिस पर जो है कम स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर पहले से सपोर्ट लेवल पर होगा, राइट। तो सपोर्ट लेवल से होगा तो यहाँ पर हमारा, सो यहाँ पर जैसे ही प्रीवियस वीक अगर समझ लो प्रीवियस डे का अगर लो प्राइस ब्रेक होता है तो वो यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा, और टारगेट यहाँ पर हमारा 1:2 के आसपास होना चाहिए। तो सेम बेसिस के हिसाब से यहाँ पर हमें 1 जुलाई के अंदर जो है देखने को मिला है नियरली यहाँ पर एंट्री 8390 के आसपास, स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा जो है 10 से 15 पॉइंट का था, और स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8620 के आसपास तक यहाँ पर हमें अपसाइड के अंदर जाते हुए देखने को मिला, डेट्स ऑलमोस्ट 100 to 200 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। सो मंडे सेशन के लिए सबसे इजी बिजनेस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए 8710 के प्राइस बैंड के ऊपर अगर यहाँ पर कैंडल्स मूव करती हैं स्टार्ट करती हैं ट्रेड करना तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, एज वेल एज जो इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड जो ट्रेडर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो उनके लिए 8600 का प्राइस बैंड अगर यहाँ पर ब्रेक करता है मंडे सेशन के लिए तो लॉन्ग पोजीशन जो क्रूड ऑयल के अंदर बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें जो है नियरली 10 से 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम यहाँ पर हमें रखना चाहिए विद द ड्यू ऑफ द टारगेट यहाँ पर आप जिस तरह से एस्टिमेट कर रहे हो वो। हालांकि जो ट्रेंड है वो यहाँ पर फॉलो काफ़ी इजी तरीके से जड़ी से अच्छी खासी यहाँ पर हमें बाइंग मोमेंटम, और उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन और फिर से बाइंग मोमेंटम और जो छोटा सा करेक्शन है देखने को मिला है। सो अगर हम इसे इजी बेसिस पे भी देखें तो ट्रायंगुलर पैटर्न काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्म हो रहा है, सेलर स्लोली एंड स्टडीली कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इज दैट कि यहाँ पर हमें अपसाइड के ब्रेकआउट देखने को मिल सके। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इसमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।